हेलो जी, हेलो। क्या बना रही हो आज? आज 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 बना रही हूँ घीये के कोफ्ते, जो कि आप लोग बोलते हैं लौकी, और पंजाब में बोला जाता है घीये के कोफ्ते। आज बना रहे हैं मज़ेदार से चटपटे मसालेदार, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और बनाएंगे तरी वाले जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप सब देखते जाओ किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैंने लौकी छीली हुई है, धुल के रखी है, तो अभी मैं फटाफट पहले उसे कद्दूकस कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या मसाला डालना है उसमें, फिर बनाना कैसे है। ये देखो, इसको घिसने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से घिस जाता है। हमारा घीया कद्दूकस होने वाला है, थोड़ा सा रह रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे निचोड़ के दूसरे वाले बॉल में रख देंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें बेसन मसाले सब डालूँगी, तो आपको दिखाते रहूँगी, और आप भी सेम इसी तरीके से डाल के बनाएं, बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखो, ये हो गया हमारा घीया कद्दूकस, और अब मैं इस तरीके से इसे निचोड़ लूँगी, और निचोड़ के हम दूसरे बाउल में रखेंगे इसको। ये निचड़ गया है, और इसको हम रख देंगे अब दूसरे बाउल में। इसी तरीके से हमने सारा ही निचोड़ना है अच्छे तरीके से। ये देखो, हमारा निचड़ के ये हो गया है तैयार, और ये निकाल लिया है मैंने थाली के अंदर। तो इसमें हम डाल लेते हैं अब मसाले। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम डाल देते हैं इसमें बेसन। सबसे पहले हम बेसन, ये देखो, आपका जितना भी घीया है आप उसके अनुसार ही डालें। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम खाते हो तो आप कम डाल सकते हैं। और अब आपको क्या डालना है, आपने डालना है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, मैं बहुत कम डालूँगी पकौड़े में ये लाल मिर्ची। और ये डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, ये आ गया है। और अब क्या डालने वाले हैं, अब डालने वाले हैं नमक, अपने स्वाद अनुसार ही आप नमक डालें। ये आ गया है इसमें नमक, ये नमक काट रही हूँ मैं। दो हरी मिर्चें इसमें, ये कटिंग कर दी है दो हरी मिर्चें तलने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल, इतने ये गर्म हो जाएगा तो हम इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। ये आ गया है इसमें ऑयल, और अब कर लेते हैं अच्छे तरीके से अब मिक्स। ये देखो, आपने इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है। जब अच्छे से आप इसे मिक्स करें, अगर आपको लगता है पानी डालना है तो ही आप पानी डालें, नहीं तो घीये के अंदर खुद ही इतना पानी निकल जाता है, आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये हो गया है अच्छे से मिक्स, और मैंने देखो पानी नहीं डाला है, आपके सामने है। तो आप इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, नमक मिर्ची सब चेक करने के बाद ही आप इसके कोफ्ते बनाने शुरू करें। तेल हमने डाल दिया है, अभी गर्म होते ही मैं बनाना शुरू कर दूँगी। तेल हो गया है गर्म, और अब मैं डालना शुरू करती हूँ। तो मैं छोटे छोटे बनाऊँगी पतले करके, ताकि वो जल्दी सिक जाए। आप मोटे ना उतारें, क्योंकि वो अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। तो आप इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे से पतले पतले उतारेंगे, तो वो अच्छे से ना अंदर से भी पक जाएगा। ये देखो, ऐसे करना है और ऐसे डाल देना है। देखो कुछ कुछ तो सीखने भी लगे हैं, ऐसे ब्राउन ब्राउन कर लेने हैं आपने अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपने निकालने हैं सारे। ये देखो, आपने इस तरीके से सारे ही निकालने हैं, इतने ही ब्राउन करने हैं। तो आपने इसी तरीके से सारे सेक लेने हैं और फिर निकाल लेने हैं। ये देखो, ये आ गया। इसी तरीके से हम सारे ही घीये के कोफ्ते बना के निकाल लेंगे, और फिर हम सब्जी बनाने की हम शुरू करेंगे। ये देखो,
हमारे पकोड़े यानी कि कोफ्ते बनके हो गए हैं तैयार। अब इसी ऑयल में से थोड़ा और कम कर लेंगे, फटाफट से हम सब्जी में लगाते हैं तड़का। मैंने कर लिया है इसी में से ही कम ऑयल, और इसी ऑयल में ही मैं लगा दूंगी तड़का। लेके आएगा जीरा, आ गया है, ये डाल दिया है हमने जीरा। फिर आ गया है हींग, के बाद डाल देंगे हम कुछ कटे हुए प्याज। ये देखो, इन्हें ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखो प्याज हो गए हैं ब्राउन, और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो कि मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये आ गया है इसके अंदर ये पेस्ट। देखो अभी डाल देते हैं इसमें मसाले। तो मैं आपको दिखाइए, ये आ गया है लाल मिर्ची पाउडर, ये आ गई है हल्दी, ये आ गया है धनिया, और धनिया में डालूंगी थोड़ा सा ज़्यादा। ये आ गया है धनिया, और अब इसमें डाल देंगे हम नमक। और ये आ गया है इसमें नमक। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ही आप इसमें पानी डाल के उबालें। डाल रहे हैं हम इसके अंदर पानी, और इस पानी को अच्छे से हम उबाल लेंगे। ये देखो हमारा पानी हो चुका है पक के तैयार, और अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कर दिया इसको धीमी, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें कोफ्ते। ये देखो ये डाल रही हूँ इसमें कोफ्ते। ये आ गई है, ये बिल्कुल भीग जाएंगे इसमें तई के अंदर अच्छे से। देखो हमने डाल दिए हैं कोफ्ते, और अब इसको ऐसे ही ढक देंगे और सीम आंच में 5 मिनट आप चाहो तो पका सकते हैं, और नहीं चाहो तो ऐसे डाल के इसे बंद कर दिए तो अपने आप भीग के फिर तैयार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा हमारे घी के कोफ्ते पसंद आए होंगे। जैसे मैं हमेशा कहती, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स जरूर करें। अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें, और ऐसे ही कोफ्ते बनाएं और सभी को खिलाएं।